मुझे अच्छी लगी. वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मूवी क्योंकि सलमान खान ने प्रोड्यूस की है और इसके जो डायरेक्टर है वो नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर नितिन कक्कर. तो अच्छी मूवी लेके आए हैं. रोमांस है, ड्रामा है, ह्यूमर है, अच्छी मूवी है. स्टोरी कितनी पसंद आई है? स्टोरी बहुत अच्छी लगी कि कैसे एक आर्मी ऑफिसर टीचर बन जाते हैं और उन्हें एक किरदार से प्यार हो जाता है. मतलब नोटबुक पढ़ते हैं और उनके थॉट प्रोसेस से प्यार हो जाता है. हालांकि स्टोरी और क्रिएटिव हो सकती थी क्योंकि दोनों इंटरवल के काफ़ी बाद आते हैं तो लोगों को लगता है कि और दोनों को देखने को मिलता तो अच्छा लगता. तो उस तरह से और अच्छी बन सकती थी. बट स्टिल म्यूज़िक इज़ वेरी गुड बाय विशाल मिश्रा और एडिटिंग बाय सचिंद्र वत्स. कहीं भी वो नहीं करती, थोड़ी स्लो पेस्ट हो जाती है. बट उसके साथ साथ कश्मीर को बहुत अच्छे से कैप्चर किया है. सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है मनोज कुमार खटोई की. तो आई थिंक इट्स अ गुड पैकेज. दोनों ही बहुत प्रॉमिसिंग एक्टर्स हैं. एक नूतन की ग्रैंड डॉटर और मोनीश बहल की बेटी प्रनूतन बहल और जहीर इकबाल दोनों ही बहुत प्रॉमिसिंग एक्टर्स हैं. आई एम श्योर दे कैन इम्प्रोवाइज बट ये उनकी पहली मूवी है सो आई डोंट थिंक वी शुड बी ओवर क्रिटिकल. दोनों ही एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत इंटेंस हैं और जहीर इकबाल में बहुत ठहराव है. यू नो आँखों से बातें करते हैं तो वो मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी लगी. और प्रनूतन बहल आई थिंक शी इज़ ऑल्सो वेरी प्रॉमिसिंग. मतलब लगता नहीं है कि उनकी पहली मूवी है. बहुत अच्छा स्क्रीन प्रेजेंस है दोनों एक्टर्स का. गाने सभी बहुत अच्छे हैं. स्पेशली घूम रो फिर से देखने को मिला विद ऑल द किड्स तो बहुत अच्छा गाना है. पिक्चराइज बहुत अच्छे किया गया है. 3 stars. इट्स अ गुड मूवी. लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी इससे, तो क्या रिएक्शन है? बट फर्स्ट ट्राई अच्छा है, गुड ट्राई. कितने स्टार देंगे? 4. अरे तू तो अकेले करता है. अच्छा मूवी कैसी लगी? The movie was very nice. It was really inspiring. Inspiring. It was very good. It was a unique movie. Very unique movie and I really like the characters. अगर दोनों में character कौन से अच्छे लगे? I like both of them. अच्छे गाने कैसे लगे? The गाना like it was really good. Music was really. I just love the boomer one. Yeah, boomer one was really cute. I liked all the I don't know the music. Okay, out of कितने stars देंगे? 4.5 out of 5. जैसे मैंने अभी उनसे कहा मुझे तो फिल्म बहुत अच्छी लगी क्योंकि आज के ज़माने में जहां टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है, जहां किसी को एक दूसरे के लिए वक्त ही नहीं है, सिर्फ अपने सेलफोन्स के लिए वक्त है, उस ज़माने में इतनी एक ह्यूमन कहानी देखने को मिली तो बहुत अच्छी लगी फिल्म. बिल्कुल बहुत ही एक नया पहलू लेकर आई है रोमांस का कि आपका फिज़िकल अपीयरेंस ही सब कुछ नहीं मायने रखता. आप किस किस्म के इंसान हो वो बिना देखे भी आपके शब्दों के थ्रू, आपके सोच के थ्रू हम आप में झांक सकते हैं, आपकी अच्छाइयों को देख सकते हैं. तो ये एक बहुत अनयूजुअल लव स्टोरी है जहाँ द बॉय एंड द गर्ल आखिरी सीन तक ऑलमोस्ट नहीं मिलते और फिर भी एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं. सर गाना कैसा लगा? बहुत ही अच्छे गाने. अच्छा बिल्कुल. डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन कैसा? नितिन कक्कर तो है ही बहुत अच्छे डायरेक्टर. उनकी फिल्मिस्तान और मित्रों ने ये साबित कर दिया है. तो ही इज़ अ वेरी बिग ड्रॉ ऑफ दिस फिल्म और स्पेशली जहाँ न्यू कमर्स है वहाँ पर. और आज की डेट में मैं ऐसा समझता हूँ एज एन ऑडियंस की डायरेक्टर बहुत मायने रखते हैं. उनका नाम देखकर भी ऑडियंस फिल्म देखने आती है. तो मुझे डायरेक्शन बहुत ही अच्छा लगा और इस फिल्म में खास करके मैं सिनेमाटोग्राफर मनोज खटोई को भी बहुत क्रेडिट देना चाहूँगा क्योंकि जिस तरीके से दोनों ने मिल के इस फिल्म को शूट किया है उसने फिल्म को 4 चांद लगा दिए. इस फिल्म से दो कलाकारों ने डेब्यू किया है, उन्होंने अपने आप को किस हद तक बहुत ही अच्छी तरीके से साबित किया. खैर प्रनूतन पर तो मुझे पूरा विश्वास था, वो नूतन जी की पोती और मोनीश बहल जी की बेटी है. तो प्रनूतन से तो मुझे बहुत ही ऊंची उम्मीदें थी जिस पर वो खरी उतरी है. लेकिन जहीर के बारे में भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस मैच्योरिटी और जिस अंडरस्टेटेड तरीके से उन्होंने अपने आप को पहली फिल्म में पेश किया है, इज़ अ एक्टर टू वॉच आउट फॉर.
मैंने कहा ना, मतलब हर एक के लिए, प्रनूतन के लिए, एक जहीर के लिए, एक नितिन कक्कर के लिए, एक सलमान खान के लिए, एक नोटबुक के लिए, एक तो 5 stars फ्रॉम माई साइड, माई प्लेजर। Brilliantly made, very well made movie. Different from the lot of movies जो अभी चल रही हैं उससे तो बहुत ही different है, but beautiful, beautiful. Both have done their best in the movie and they'll go a long way, both of them. Beg your pardon? कितने स्टार देना चाहेंगे आप? Out of 5, 4. 4. Definitely. Thank you.